सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हमारा कानून के इस हफ्ते की वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी पांच प्रकार के रिट की। देखिए, ये शब्द यदि आपका कभी भी कोर्ट कचहरी में काम पड़ा है तो आपने यह शब्द सुना होगा, रिट या रिट ज्यूरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो अगले 7 से 8 मिनट की वीडियो में मेरा यह प्रयास है कि रिट क्या होती हैं और जो पांच प्रकार की रिट होती हैं उनको बड़े सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिट एक ऐसा आपके हाथ में हथियार है जो आप कोर्ट के सामने यूज़ कर सकते हैं और आपके अधिकारों के हनन के लिए इन रिट्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम तो सवाल यह है कि रिट का मायना क्या होता है, रिट किसे कहा जाता है। यदि इसे बहुत ही प्लेन भाषा में मैं कहूँ तो मैं कहूँगी कि रिट जो है वो एक तरह से एक रिटन ऑर्डर है, एक रिटन कमांड है, एक लिखित कमांड है जो कोर्ट देता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को या बॉडी को या कॉरपोरेशन को, मतलब किसी भी प्रकार से सरकारी संबंधित किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, या तो किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को ना करने के लिए। ये हो गई एक उसकी जिसे कहा जाए मोटी डेफिनेशन या इसका मायना। अब हम बात करें कि इसका मतलब, जैसे जैसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की रिट्स होती हैं उसके साथ इसका मायना जो है वो और खुलता जाएगा। किसके पास आप रिट के लिए जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 मतलब आर्टिकल 226 के अंदर जो है वो आप रिट के लिए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आप अंडर आर्टिकल 32 मतलब आर्टिकल 32 के अंदर जो है वो जा सकते हैं। पांच प्रकार की रिट होती हैं। हम पांचों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में इनका मायना क्या होता है और ये आपको क्या अधिकार देती हैं इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, रिट जो है वो पांच प्रकार की होती हैं। पहली होती है इनके प्रोनाउंसिएशन, डिपेंडिंग ऑन आप जिस पे जिससे बात करेंगे थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। पांच प्रकार की रिट होती हैं। पहली होती है हेबियस कॉर्पस, एक लैटिन टर्म है, इसका मायना मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा होता है हेबियस कॉर्पस, सेकेंड होता है मैंडमस, तीसरा होता है सर्शियोरारी, फोर्थ होता है प्रोहिबिशन और फिफ्थ होता है क्यो वारंटो। ये पांच जो है सुनने में बड़े ही अजीब शब्द लग रहे होंगे लेकिन बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। यदि आप मेरे साथ 5 मिनट का समय देंगे तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम इन पांचों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला होता है हेबियस कॉर्पस। इस लैटिन टर्म का मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, मतलब किसी और व्यक्ति का शरीर जो है उसे पेश करें। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब कभी किसी व्यक्ति को पुलिस या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी प्रकार की कस्टडी में रखता है या डिटेंशन में रखता है, मतलब उसे किसी प्रकार की उसके शरीर को अवरोध में रखता है, बंद करके उसे रखता है, तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बिहाफ पर जाकर कोर्ट के सामने इस बात की गुजारिश कर सकता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए और जल्द से जल्द जो है वो उसे रिलीज किया जाए या फ्री किया जाए। देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी इस कंट्री में या कभी भी इस प्रकार की यदि दंगे फसाद किसी सिटी में होते हैं तो कई बार सुनने में आता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं या यंग लोग जो हैं वो गायब हो गए, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके परिवारजन जो है वो कोर्ट के सामने, चाहे हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने, हेबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं और कोर्ट को यह कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट ऐसा निर्देश दे कि कोर्ट के सामने जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। और यदि कोर्ट को यह पता चलता है कि इस व्यक्ति को अकानूनी तरीके से या इलीगल तरीके से जो है वो डिटेंशन में रखा गया है तो कोर्ट इस बात का आदेश करेगा कि उस व्यक्ति को जो है वो रिलीज किया जाए। यह ऑर्डर कोई भी व्यक्ति ला सकता है उस व्यक्ति के बिहाफ पर जो किसी भी प्रकार की कस्टडी में है या डिटेंशन में है। दूसरी बात, यह प्रिवेंटिव भी हो सकता है, मतलब यदि आपको डर है कि आपको कोई परिवारजन जो है उसे किसी प्रकार से पुलिस या कोई और इंडिविजुअल जो है वो कैद में रख सकता है तो आप पहले ही कोर्ट में जाके जो है वो हेबियस कॉर्पस का रिट लगा सकते हैं ताकि कोर्ट आदेश दे दे कि इस व्यक्ति को जो है वो कैद में किसी प्रकार से नहीं रखा जा सकता है। तीसरी बात जो है वो मद्देनजर रखने वाली यह कि हेबियस कॉर्पस की जो एक रिट है वो इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तियों के खिलाफ भी, मतलब सरकार के खिलाफ में ही नहीं लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ में भी जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये हुई पहली रिट हेबियस कॉर्पस।
अब हम बात करते हैं दूसरे तरह की रिट की, जो है मैंडमस। मैंडमस का जो शब्द है इसका अर्थात होता है टू गिव द मैंडेट, यानी मैंडेट देना। इसे सिंपल भाषा में या हिंदी में कहें तो कहेंगे कि कोर्ट से यह गुजारिश की जाती है इस रिट के अंतर्गत कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी व्यक्ति, कॉर्पोरेशन, बॉडी, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कृत्य करें जो लॉ उन्हें करने के लिए बाध्य करता है। यदि हम सिंपल भाषा में कहें कि आपके शहर में कोई भी सरकारी अफसर जो है, जो कानून के अनुसार उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उसे कुछ काम करना चाहिए, और यदि वह अपने कानून के अंतर्गत कामों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रहा है, तो आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर एक मैंडमस रिट जो है उस सरकारी अफसर के अगेंस्ट में लगा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट देखेगी कि क्या कानून है, उस सरकारी अफसर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और यदि कोर्ट को यह लगता है कि उन ड्यूटीज या राइट्स, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, तो कोर्ट ऐसे में आदेश देगा या मैंडेट करेगा मैंडमस रिट के अनुसार कि आप वो सरकारी अफसर जो है वो एक निश्चित समय अवधि में उस कार्य को पूरा करें। तो ये हुआ दूसरी रिट जिसे हम कहते हैं मैंडमस। पहली हमने बात करी थी हेबियस कॉर्पस, जो किसी व्यक्ति को डिटेंशन में से छुड़ाने की थी। दूसरी हमने बात करी मैंडमस की, कि किसी भी सरकारी अफसर को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना कोर्ट के द्वारा जो उसकी कानून के अंतर्गत ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार की रिट की, जिसे हम कहते हैं सर्शियो उरारी। सर्शियो उरारी का मतलब होता है, या इसे सिंपल भाषा में कहें कि प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ एक हायर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी। इसका मतलब मैं समझाऊंगी, मतलब मेन बात जो है कि कोई भी हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट से यह कह रहा है कि भाई आप सर्टिफिकेट दीजिए कि ये जो भी मामला आपके सामने है उससे आप कैसे सही तरीके से उसका लीगल जो है सोल्यूशन कर रहे हैं, कैसे आप उस मामले को उस पर डिसीजन दे रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी भी समय पे हायर कोर्ट के मद्देनजर ये बात आती है कि छोटे कोर्ट ने इस मामले को ट्राई करते समय जो है किसी प्रकार की लीगल त्रुटि करी है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट था उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो हायर कोर्ट जो है वो दो चीज़ें कर सकता है। या तो पहली बात, वो छोटे कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो क्वैश कर सकता है या खत्म कर सकता है, मतलब कि वो अब फोर्स में नहीं आएगा, या हायर कोर्ट यह कह सकता है कि भाई जो भी आपके सामने फाइल है आप वो फाइल हमारे पास भिजवा लीजिए और हम जो है वो इस मामले को सुनेंगे और इस मामले पे जो है ऑर्डर देंगे। सर्शियरारी का मैंने आपको कहा कि जो जिस पे लागू होगी वो किसी भी लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो कोई लीगल फंक्शन का या जुडिशियल फंक्शन का निर्वहन करती है, किसी भी प्रकार के सरकारी अफसरों के या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो हैं, जैसे कलेक्टर कई बार जो है कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देता है, उनके खिलाफ में यह रिट लागू नहीं होती, केवल जुडिशियल कार्य करने वाली अथॉरिटीज या ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट के अगेंस्ट में जो है वो यह रिट जो है लगती है। एक इम्पॉर्टेंट बात सर्शियरारी की यह है कि सर्शियरारी की रिट आप केवल तब लगा सकते हैं जब जो लोअर कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है उसने अपना एक ऑर्डर या डिसीजन दे चुका हो। जब मामला इंफीरियर कोर्ट के सामने या लोअर कोर्ट के सामने पेंडिंग हो, तो ऐसी पेंडेंसी के समय जो है आप सर्शियरारी नहीं लगा सकते। तो फिर यदि मामला पेंडेंसी में है तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमें सवाल जो है लाता है हमारे चौथे प्रकार की रिट पे, जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब सिंपल भाषा में मत कीजिए या किसी और को प्रोहिबिट करना कोई काम करने से। प्रोहिबिशन की रिट का आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये कहें कि आपका कोई भी लोअर कोर्ट जो है वो कोई मामला सुनने के लिए सही नहीं है किसी भी कारणवश, या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेटेड हुए हैं, इसलिए जो है हायर कोर्ट जो है वो उस मामले की रोक वहीं पे कर दे। इसे हम नॉर्मल भाषा में कई बार स्टे ऑर्डर जो है कहते हैं। आप इन्हीं वकीलों से बात करेंगे, आप कोर्ट कचहरी में कहेंगे कि भाई स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तो स्टे ऑर्डर का जो लीगल प्रोविजन है जिसके अंदर स्टे ऑर्डर लाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण देकर यदि मैं आपको समझाऊं कि कोई जज के सामने लोअर कोर्ट में, इंफीरियर कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट छोड़कर किसी निचले स्तर की कोर्ट के सामने आपका मामला है, किसी एक जज के सामने आपका मामला आया और आपको लगता है कि भाई ये जो जज है इनका तो इस मामले में पर्सनल इंटरेस्ट है किसी भी प्रकार से, तो आप नहीं चाहते कि ये जज जो है वो आपका मामला सुने,
तो ऐसे में आप हायर कोर्ट के पास जाकर स्टे ऑर्डर ले आएंगे, जिसके अंतर्गत हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही निर्देश देगा कि वो मामले की रोक कर दे और उसकी सुनवाई ना करें। हमने बात करी चार तरह की रिट की। मैंने आपको कहा था कि पांच तरह की रिट होती है, तो बात करते हैं जल्दी से पांचवें तरह की रिट की, जिसे हम कहते हैं क्यो वारंटो। मतलब यदि सिंपल भाषा में कहा जाए या याद रखने की दृष्टि से, तो आपके पास क्या वारंट है, क्यों वारंटो, क्यू यू ओ है, क्यों वारंटो नहीं है, क्यों वारंटो है। क्यों वारंटो का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से ये पूछ सकता है कि आप किस पोजिशन से इस पब्लिक ऑफिस को जो है वो होल्ड कर रहे हैं। हमारे देश में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं राजनीतिक मामले के कारण। मैं इस पर पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करूंगी, ना ही पर्सनल एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जब कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो दो ऑफिस जो है होल्ड कर रहा है, और कोर्ट ने ऐसे में पूछा है कि आपके पास क्या लीगल अथॉरिटी है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस पे जो है आप बैठे हुए हैं या आप एक किसी पर्टिकुलर चेयर को जो है वो संभाल रहे हैं। ऐसे में पब्लिक ऑफिशियल का या पॉलिटिकल ऑफिसर का यह काम है कि कोर्ट को बताए कि क्यों उस व्यक्ति को उस पोजीशन पे या पॉलिटिकल या पब्लिक ऑफिशियल की पोजीशन पे बने रहना देना चाहिए, और यदि कोर्ट को लगता है कि वो इलीगल तरीके से उस पोजीशन पे बरकरार है तो क्यों वारंटो के अंदर जो है कोर्ट उस प्रकार से निर्देश करेगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मेरा यह कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊं कि क्या पांच प्रकार के रिट है जिसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए कोर्ट से जो है वो मांग कर सकते हैं।